बात मुलायम सिंह यादव परिवार में मची खींचतान की। यूपी के समाजवादी परिवार में खींचतान अभी भी जारी है। सीएम अखिलेश के समर्थन में चिट्ठी लिखने वाले उदयवीर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। उदयवीर सिंह ने चिट्ठी में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी और शिवपाल यादव पर अखिलेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। आज कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें पार्टी से निकाले जाने पर फैसला हुआ। मुझे चिट्ठी लिखने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, तो मैंने बिल्कुल पूरे निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जो भी बातें थी उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिखा था। अगर कोई कमी हुई तो वो ये हुई कि वो पत्र लीक हुआ, जैसे भी लीक हुआ। इसके अलावा बैठकों का दौर जारी रहा। पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव किरण मय नंदा, नरेश अग्रवाल और बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह यादव से मिले, फिर किरण मय नंदा और नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। तीन तारीख को रथ यात्रा की तैयारी है, उसी सिलसिले में हम लोग तैयारी के रूप में आए थे। अच्छा, कुछ बातचीत हुई अखिलेश यादव से? तैयारी के लिए, 3 तारीख की तैयारी के लिए हम लोग रथ यात्रा। मुलायम परिवार में टकराव 12 सितंबर को गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह की बर्खास्तगी के बाद खुलकर सामने आ गया था। 2 मंत्रियों के बाद अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी हटाया। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को कमान सौंपी। सुलह के बाद शिवपाल यादव ने ज्यादातर मंत्रालय लौटा दिए थे।